चाहिए। आज जो मैं आप सबके लिए फेस पैक लेकर के आई हूँ उसको आप लगाएं, फेस को वॉश करें, थोड़ा सा क्रीम लगाएं और फिर आराम से आप शादी पार्टी में चले जाएं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में और मैं हूँ छवि। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ वन डे चैलेंज, यानी कि एक ऐसा फेस पैक जिसको लगाएं, वॉश करें और वॉश करते ही पाए बेहद गोरी, खूबसूरत और ब्राइट और ग्लोइंग त्वचा, यानी कि एक ऐसी त्वचा जो पार्लर में जब जाते हो आप और 1000 और 2000 रुपए खर्च करते हो ब्लीच के ऊपर, फेशियल के ऊपर, तब जाकर के वो त्वचा आपको मिलती है कुछ दिनों के लिए, है ना। यानी कि यही परेशानी होती है ना, पार्लर में जाते हो, ब्लीच कराते हो, फेशियल कराते हो, घर आते हो, 2-3 दिन तो आपकी रंगत एकदम गजब की लगती है, खुद को भी फील होता है यार मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग लग रही है, बहुत ब्राइट लग रही है, 2 दिन के बाद ठस हो जाता है, यानी कि स्किन की ग्लो मीन्स स्किन में ग्लो कहाँ था ही नहीं। तो ये सारी परेशानियों मुक्ति दिलाने के लिए छवि बैठी हुई है। आज मैं आप सबके लिए जो फेस पैक लेकर के आई हूँ, किसी शादी पार्टी में जाने के पहले, तीज त्योहार है, रक्षाबंधन है, सब में जाने के पहले आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ, बस इसको लगाएं और जब आप जाओगे तो जो आपको देखेंगे आपको देखते ही रह जाएंगे। छोड़िए लोगों को, आपको आपकी खुद की नजर लग जाएगी, इतना बेहतरीन और इतना गजब का ये फेस पैक है। तो फेस्टिवल शुरू हो गए ना, रक्षाबंधन है, उसके बाद आपको हरितालिका है, गणपति है, दीपावली है, तो ये फेस पैक सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज ही काम आने वाला है, ये फेस पैक आपके हर उन फेस्टिवल में या हर उन खास दिनों के लिए सुबह से भी ऊपर होने वाला है जिसमें आप चाहते हो कि इंस्टेंट आपकी स्किन फेयर हो जाए और इंस्टेंट आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाए, तो ये सारे काम जो है ये फेस पैक करने वाला है। साथ ही साथ एक ऐसा मसाज पैक मैं लेकर के आई हूँ जो अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है तो अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार अगर इससे अगर आप अपने चेहरे के ऊपर मसाज करते हो, 20 मिनट्स के लिए अपने फेस के ऊपर छोड़ देते हो, तो आपके आपको आपके पिगमेंटेशन के ऊपर बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको डार्क स्पॉट है तो उसके ऊपर भी ये काम आने वाला है। 2 दिन मैं बोल रही हूँ, आप चाहें तो पूरे वीक कर सकते हो, ये जो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट स्टेप वो। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और इस वीडियो को कैसे इस पैक को बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है, या आपको एक ग्रेटर लेना है या फिर आपको ग्राइंडर लेना है। अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड करते हो टमाटर को तो नॉर्मल जो 3-4 टुकड़े में टमाटर को कट कर लें और ग्राइंडर में आप ग्राइंड कर लें, और जूस को आपको अलग कर लेना है और जो उसका पल्प है उसको आपको अलग कर लेना है। ग्रेटर में अगर आप करते हो जैसे मैं कर रही हूँ तो भी आपको सेम प्रोसेस करना है, ग्रेट कर लेना है और उसके बाद आपको जूस को अलग कर लेना है और पल्प को अलग कर लेना है। तो टमाटर जो है आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर आपको ओपन पोर्स की परेशानी है तो आपको ओपन पोर्स की परेशानी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यानी कि अगर आपको ओपन पोर्स की परेशानी है तो आपके पोर्स को वो श्रिंक करता है। एक बार में मैजिक नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे आपके पोर्स, आप देखोगे रेगुलर इस्तेमाल से टमाटर के आपके पोर्स जो है वो श्रिंक होने लगे और आप अपने उम्र से कम दिखने लगे। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट तो आपको पता चल गया, ये भी आपको पता चल गया कि आपको पल्प अलग रखना है और आपको उसका जो जूस है उसको अलग कर देना है। चलिए अब स्टेप 1 में आते हैं, ये तो प्रोसेस की बात हो गई। अब इस पैक को बनाने का जो फर्स्ट आपको स्टेप लेना है वो लेना है आपको जो वो पल्प है वो आपको ले लेना है।
मेरे पास जो आप देखे हो तकरीबन 1 स्पून के करीब में पल्प है, उसके अंदर जो मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है शुगर पाउडर। यानी नॉर्मल जो अपना जो किचन में जो हम लोग चीनी इस्तेमाल करते हैं वही चीनी है, उसको अच्छे से मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हूँ और उसको इस टोमेटो के साथ मिक्स कर दी हूँ। आप यकीन माने टमाटर और ये चीनी का जो कॉम्बिनेशन है वो सुपर से भी ऊपर वाला काम करता है आपकी स्किन के लिए। टमाटर आपकी रंगत को निखारता है, साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट है, डलनेस है, किसी भी तरह की आपके ऊपर स्किन के ऊपर अगर आपके धब्बे आने शुरू हो गए हैं तो उसको टमाटर रोकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो शुगर है यानी कि चीनी है उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो कि आपके स्किन को पील करने का काम करता है। यानी कि अगर आपकी स्किन लूज हो रही है या अगर आपकी स्किन सैगी हो रही है, लूज हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, तो उन सब में सुपर से भी ऊपर काम करता है शुगर पाउडर। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, यकीन माने पिगमेंटेशन में भी रामबाण काम करता है शुगर पाउडर। अब इन दोनों को आपको कर लेना है अच्छे से मिक्स। अब आपको क्या करना है, इसको अपने साफ सुथरे फेस के ऊपर, यानी कि आपके फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक मतलब कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, उसके बाद आपको अपने पूरे फेस के ऊपर इसको सर्कुलर मोशन में, पूरे फेस के ऊपर लगाना है, उसका सर्कुलर मोशन में आपको 1 से 3 मिनट तक मसाज करना है। आप चाहे तो 1 मिनट भी मसाज कर सकते हो, आप चाहे तो 2 मिनट भी, आप चाहे तो 3 मिनट भी, एज यू विश। इसको लगाने का कोई टाइम नहीं है, जब भी आप फ्री हो आप इसको लगा सकते हैं। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, इस स्टेप को मैं तभी इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे स्टेप 2 करना होता है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे पैक, मैं एक दिन में तकरीबन 2 पैक तो मैं लगा ही लेती हूँ, तो इस पैक का इस्तेमाल मोस्टली मैं इसके पहले करती हूँ, ठीक है। वो ये टोटली आपके ऊपर है, अगर आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, ओपन पोर्स की परेशानी है, तो ये जो स्टेप 1 है जो मैं आपको बता रही हूँ डेली आप कर सकते हो बिंदास आंख बंद करके, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, बशर्ते यही है कि जो शुगर पाउडर है वो एकदम बारीक ग्राइंड होना चाहिए। 1 मिनट तक मसाज करें, 20 मिनट्स तक आप अपने फेस के ऊपर छोड़ दें और वॉश कर लें। सेकेंड पैक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये पैक का ही अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो। ब्लीच से ज़्यादा आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी और आप दिनों दिन आप खूबसूरत दिखना शुरू करोगे लोगों के नज़र में। जैसे मेरे पुराने वीडियोस बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखते हैं कहते छवि आपकी स्किन टोन बहुत इंप्रूव हुई है। स्किन टोन बहुत अच्छी थी शुरू से, लेकिन मैं हैदराबाद गई थी तो झुलस गई थी, इतनी बुरी झुलसी थी कि मेरी रंगत भी बेकार हो गई थी और मेरा स्किन टोन भी खराब हो गया था। तो 2 से 3 साल लग रहे हैं मुझे उस स्किन टोन को फिर से पाने में, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए अब ये तो हो गया, मैं ये भी आपको बता दी। अब आपके मन में डाउट जरूर होगा कि 26 को बना के कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आराम से आप इसको फ्रिज के अंदर 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेप 2, जो मिरेकल फेस पैक है उन सबके लिए जो बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो कृपया करके इस पैक को लगाएं तब बाहर जाएं। अगर आप चाहते हो कि आपकी लोग तारीफ करते नहीं थके, मीन्स वाओ क्या लग रहे हो, वाओ क्या लग रही हो कहते ना थके, ये फेस पैक इग्नोर ना करें। चलिए इस फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो है टोमेटो जूस। मैं तकरीबन 2 स्पून के करीब में टोमेटो जूस ली हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है आपको कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी, नॉर्मल कॉफ़ी। मैं नेस्कैफे यूज़ करती हूँ, आपके पास कोई भी ब्रांड का कॉफ़ी हो तो चलेगा। मैं कॉफ़ी ली हूँ 1 स्पून, आप क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है मैदा, और मैदा भी मैं ले रही हूँ 1 स्पून। मैदा क्या करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, साथ ही साथ आपके रंगत को बहुत ज़्यादा निखारता है, रिंकल्स वगैरह के ऊपर भी मैदा काम करता है। लेकिन बहुत को मैदा सूट नहीं करता है, तो अगर आपको मैदा सूट नहीं करता है तो आप इसके जगह पे ऐड कर सकते हो राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा, उसकी भी क्वांटिटी आपको उतनी ही लेनी है 1 स्पून। अब जो इसके अंदर मैं लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है आपको एवर यूथ का और नेचुरल ग्लो ऑरेंज पील ऑफ मास्क। अब ये मैं ले रही हूँ तकरीबन भर भर के 2 स्पून।
अब 2 चम्मच ये मैं डाली हूँ। उसके बाद इन सबको अच्छे से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको अपने साफ सुथरे फेस के ऊपर, पूरे फेस के ऊपर आपको लगा लेना है। एक बात का ध्यान रखें, गलती से भी आपको इसको आईब्रो के पास, यहाँ पर हेयर के पास नहीं लगाना है, ये तो आपके आईब्रो को भी निकाल लेगा। ये पैक अगर आपको फेशियल हेयर की परेशानी है, यानी कि अगर आपको अनवांटेड हेयर की परेशानी है, यकीन माने इस पैक से आपके अनवांटेड हेयर भी निकलने वाले हैं, यानी कि फेशियल हेयर की परेशानी भी आपकी बहुत हद तक जाने वाली है। अपर लिप्स के हो या फिर यहाँ के हो, आपको ये परेशानी जाने वाली है। एक बार में सारे बाल तो नहीं निकलेंगे, लेकिन इसके रेगुलर इस्तेमाल से देखोगे कि आपके फेशियल हेयर की भी परेशानी 100% खत्म हो गई। 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी होगा, हो सकता है, और धीरे धीरे 1-2 महीने में देखोगे 80% 90% गए, धीरे धीरे देखोगे कि जब गए तो आए ही नहीं, है ना। तो ये वाली परेशानी भी आपको जाने वाली है। क्या करना है, इसको अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है, नेक यहाँ से लेकर के पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है। जब आपको उतारना है तो नीचे से ऊपर की तरफ आपको निकालना है। कोई भी फेस पैक हो, आपको अपने फेस के ऊपर 20 मिनट रखना होता है, यानी कि 20 मिनट्स, लेकिन यकीन माने इस पैक को मैं पूरे 40 मिनट्स अपने फेस के ऊपर रखी थी, 40 मिनट, तब जा करके ये पैक अच्छे से सूखा था। तो भी ये वाला पार्ट मेरा थोड़ा गीला था, तो मुझे इस वाले पार्ट पे निकालने में मुझे थोड़ी परेशानी हुई। तो मैं 20 मिनट्स आपको बोल रही हूँ, हो सकता है 20 मिनट्स में आपका ड्राई हो जाए। तो जब आपका सूख जाता है पैक, उसके बाद आपको धीरे से आपको अपने पूरे फेस से इसे निकाल लेना है। उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपका जो भी फेवरेट टोनर हो या फिर रोज वाटर है उसका स्प्रे करें। उसके बाद आपका जो भी फेवरेट क्रीम है लगाएं, बिंदी लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, इयर रिंग्स पहने और जहां जाना है वहां चले जाएं। सुबह से भी ऊपर वाला ये पैक है। अब आपके दिमाग में जरूर होगा कि छवि, इसको रेगुलर अगर इस्तेमाल करना हो तो वीक में कितने बार लगाना है। इस पैक का आपको इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस पैक को बना करके आराम से आप फ्रिज के अंदर कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हो, या प्लास्टिक में स्टोर करके रख सकते हो 4 से 5 दिन तक। 5 डेज भी आप आराम से इसको स्टोर करके रख सकते हो, कवर करके, एकदम खराब नहीं होगा आंख बंद करके। एक बार बनाएं, हफ्ते भर लगाएं, ऐसा है। अगर आप टीनेज हो तो आराम से इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो हफ्ते में 2 बार, ठीक। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फैमिली फ्रेंड्स के साथ भर भर के शेयर करें, और अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।